हेलो व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे बुलेट ट्रेन के बारे में, बुलेट ट्रेन का इतिहास, बुलेट ट्रेन इतना रफ्तार से चलता है, क्या है इसके पीछे का कारण और भारत में कब तक आ सकता है बुलेट ट्रेन, जानेंगे सब कुछ। तो अपना बोरिया बिस्तर बांध लीजिए और चलिए मेरे साथ बुलेट ट्रेन की सवारी करने के लिए। ये क्या है भाई है? अरे हम लोग बुलेट ट्रेन पर सवाल करने वाले थे ना, ओ रेडिंग वाले भैया, यहाँ पर बुलेट ट्रेन लगाने बोले थे ना आपको, ये क्या लगा दिया आपने। अच्छा खैर, फिलहाल अभी हम लोग इसी पर सवारी कर लेते हैं, जब जेब में होगा नोट तब चलेंगे हम और आप साथ में बुलेट ट्रेन की सवारी करने के लिए। अभी हम लोग जान लेते हैं बुलेट ट्रेन के बारे में, तो चलिए। बुलेट ट्रेन जिसे जापान में शिंकानसेन के नाम से जाना जाता है, और यही है महान इंसान हिडियो शिमा, जिन्होंने 1964 ईस्वी में बुलेट ट्रेन को बनाया था। बुलेट ट्रेन सबसे पहले 1 अक्टूबर 1964 में जापान के टोक्यो शहर से ओसाका तक चला था। आइए हम लोग देख लेते हैं कि कहां पर है ये टोक्यो और कहां पर है ये ओसाका। आप देख सकते हैं कि इधर है हमारा प्यारा देश भारत और ये है जापान, और जापान का यहां पर है टोक्यो और ये है ओसाका। इस दूरी को तय करने में उस समय 4 घंटे का समय लगा था, लेकिन बाद में उस ट्रेन में और भी इंप्रूवमेंट करने के बाद 1965 ईस्वी में उसी ट्रेन को यही दूरी तय करने में 3 घंटा 10 मिनट का समय लगा। आइए अब समझ लेते हैं इसकी रफ्तार के पीछे का कारण। तो जो नॉर्मल ट्रेन होता है उसके सामने इंजन लगा हुआ होता है और वो पूरे ट्रेन को अपने साथ खींचता है, लेकिन बुलेट ट्रेन में ऐसा नहीं है। बुलेट ट्रेन का जो मोटर है वो इंजन के साथ साथ पीछे में हर एक बोगी पर लगा हुआ होता है, जिसके कारण उसको काफी पावर मिलता है। आपको यहाँ पर एक बात बता दे, आप जब YouTube वगैरह में सर्च कीजिए कि बुलेट ट्रेन का फंक्शन, तो आपको वहां पर बताया जाएगा कि बुलेट ट्रेन जो है वो मैग्नेटिक से चलता है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। मैग्नेटिक से जो चलने वाला ट्रेन है उसका नाम है मेगालेव, जो कि बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा रफ्तार है। बुलेट ट्रेन मैग्नेट से नहीं चलता है, बुलेट ट्रेन आराम से अपना पटरी पर ही चलता है। अब आते हैं टॉपिक पर। तो बुलेट ट्रेन का जो सामने का डिजाइन है इसको बनाया जाता है एरोडायनेमिक। इसके बनाने का 2 कारण है। पहला कारण है कि वो जैसे एयर का जो प्रेशर है उसको कम कर सके, साथ ही साथ जो टनल बूम है उसको कम किया जा सके। ये टनल बूम क्या होता है कि जब हाई स्पीड ट्रेन इस तरह के टनल में घुसता है तो वहां पर काफी आवाज होता है, इतना ज्यादा आवाज होता है कि आसपास यदि कोई घर रहा तो घर का शीशा टूट सकता है। जो नॉर्मल ट्रेन होता है उसका रफ्तार उतना ज्यादा नहीं होता है, जिसके कारण उसको जो है एरोडायनेमिक बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो बुलेट ट्रेन है इसका रफ्तार ज्यादा होने के कारण इसका जो सामने का लंबाई है इसको लगभग 12 से 15 मीटर लंबा बनाया जाता है। अब बात करते हैं इसका पटरी की। तो जो नॉर्मल ट्रेन होता है उसका पटरी का जो डिस्टेंस होता है बीच का, इसका डिस्टेंस 5 फीट का होता है, और साथ ही साथ नॉर्मल ट्रेन अपना एक पटरी से दूसरे पटरी पर वो जा सकता है, लेकिन जो बुलेट ट्रेन है उसका रफ्तार इतना ज्यादा होता है कि वो एक पटरी से दूसरे पटरी नहीं जा सकता है, क्योंकि यदि वो गया तो हो सकता है ट्रेन एक्सीडेंट हो जाए। और साथ ही साथ जो बुलेट ट्रेन का जो पटरी का जो ये डिस्टेंस है इसको 4 फीट 8.5 इंच रखा जाता है। जो नॉर्मल ट्रेन होता है जिसमें हम लोग चढ़ते हैं तो हम लोग को झटका महसूस होता है, अब बुलेट ट्रेन का रफ्तार तो और ज्यादा है तो इसमें तो झटका और ज्यादा लगेगा। तो इसी झटका को कम करने के लिए इस तरह का एयर स्प्रिंग लगाया जाता है, वो भी हाई क्वालिटी का, ताकि जो झटका है उसको बिल्कुल कम किया जा सके और जो अंदर बैठे हुए लोग हैं उसको झटका महसूस ही ना हो। तो जब भी आप भविष्य में बुलेट ट्रेन के ऊपर बैठिएगा आपको लगेगा ही नहीं कि आप ट्रेन पर बैठे हुए हैं, आपको जरा भी झटका महसूस नहीं होगा। इसका जो सिग्नल लाइट होता है उसे ऑटोमेटिक कंट्रोल किया जाता है। जो नॉर्मल ट्रेन होता है उसमें क्या होता है, इको पायलट सिग्नल देख करके अपने ट्रेन को बैलेंस करता है, लेकिन इसका रफ्तार इतना ज्यादा होता है कि इसका इको पायलट तो देख ही नहीं पाएगा कि सामने रेड सिग्नल है या ग्रीन सिग्नल है, इसीलिए उसको ऑटोमेटिक कंट्रोल किया जाता है। अब बात करते हैं कि भारत में कब तक आ सकता है बुलेट ट्रेन। तो अभी इसे आने में कुछ समय लगेगा, हो सकता है 2026 तक आए, क्योंकि जो महाराष्ट्र में यहाँ पर पटरी बिछाया जा रहा है यहाँ पर जमीन को लेकर कुछ विवाद चल रहा है, जिसके कारण अभी काम जो यहाँ पर इस वक्त धीमे है, लेकिन आशा है कि 2026 तक बुलेट ट्रेन जो है आ जाए। भारत में जो बुलेट ट्रेन आएगा वो अहमदाबाद से लेकर के महाराष्ट्र तक चलेगा, इसके बीच में कुल 12 स्टेशन होंगे और इस ट्रेन में लगभग 10 बोगी लगे होंगे। और भी इस तरह की जानकारियों के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।